फ्रेंड्स, श्रद्धा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल रसमलाई, वो भी घर पर। तो चलिए हम रसमलाई बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रसमलाई का छेना बनाने के लिए हमने लिया है 3 लीटर गाय का दूध। इसे हम एक बॉईल आने तक पका लेंगे। गाय के दूध का छेना सॉफ्ट बनता है, इसीलिए हम गाय का दूध यूज करेंगे। जब तक दूध बॉईल हो रहा है, हम रसमलाई के लिए रबड़ी बना लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क। इसे हम बॉईल करके गाढ़ा कर लेंगे। इसे हम सिर्फ 25% रिड्यूस करेंगे, क्योंकि रसमलाई की रबड़ी की कंसिस्टेंसी पतली होती है। रबड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम शक्कर, यानी कि 2 कटोरी शक्कर, केसर के 10-12 स्ट्रैंड दूध में भिगोए हुए, कुछ ड्राई फ्रूट्स और येलो फूड कलर। दूध बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर, अब ऐड करेंगे येलो फूड कलर जो कि ऑप्शनल है, अब ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, अब ऐड करेंगे शक्कर और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे इलायची पाउडर। अब हम इसे धीमी आंच पर पकने देते हैं। छेना बनाने के लिए दूध जो है वो बॉईल हो चुका है। अब हम इंडक्शन ऑफ कर देते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इस तरह से चलाते हुए दूध को ठंडा कर लेंगे। गरम दूध में नींबू ऐड करने से छेना जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा, इसीलिए जब दूध थोड़ा ठंडा हो जाए तब उसमें नींबू ऐड करें। छेना बनाने के लिए हम लेमन जूस यूज करेंगे। आप चाहो तो विनेगर भी यूज कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑफ वाटर। लेमन जूस हो या विनेगर, हमेशा डाइल्यूट करके ही यूज करना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लेमन जूस और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक साथ सारा लेमन जूस ऐड करेंगे तो दूध जो है वो अच्छी तरह कडल नहीं होगा। अब फिर 1 चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अगर हम छेना बनाएंगे तो छेना सॉफ्ट भी बनेगा। अब हम दूध अच्छी तरह कडल होने का वेट करेंगे। रबड़ी बनके रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूध अच्छी तरह कडल हो चुका है। अब हम इसे छान लेंगे और सारा एक्सेस वाटर निकाल लेंगे। अब हम छेना अच्छी तरह धो लेंगे, जिससे कि रसमलाई में लेमन का खट्टा टेस्ट ना आए। छेना बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम छेना गूंद के रेडी कर लेते हैं। डो हमने रेडी कर लिया है। अब हम छेना बॉल्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। सारे छेना बॉल्स बनाने से पहले हम चाशनी बनाने रख देते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम ऐड करेंगे अराउंड 5 ग्लास ऑफ वाटर और इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम शक्कर। चाशनी थोड़ी मीठी बनाएंगे, नहीं तो रसमलाई फीकी लगेगी। सारे छेना बॉल्स हमने बना के रेडी कर लिए हैं। चाशनी में बॉईल आते ही हम सारे छेना बॉल्स चाशनी में ऐड कर देंगे। चाशनी बॉईल हो चुकी है। हम 1 by 1 छेना बॉल्स चाशनी में ऐड करेंगे। सारे छेना बॉल्स एक साथ ऐड करने से चाशनी का टेम्परेचर लो हो जाएगा और छेना बॉल्स अच्छी तरह नहीं पक पाएंगे। हमें 15 मिनट्स छेना बॉल्स को चाशनी में बॉईल करना है।
15 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम एक बाउल में थोड़ी सी चाशनी निकाल लेंगे और इसमें ठंडा पानी ऐड करके चाशनी को ठंडा कर लेंगे। अब इस ठंडी चाशनी में छेना बॉल्स ऐड करेंगे। ऐसा करने से छेना बॉल्स की सॉफ्टनेस बरकरार रहेगी। अब छेना बॉल्स को रबड़ी में ऐड करेंगे और 2-3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। हलवाई स्टाइल रसमलाई बनके रेडी है। खाओ खिलाओ। सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी। बाय।